Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So today's video will be very interesting क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टवर्क विद चीपेस्ट पोस्टर कलर्स आई हैव. तो मेरे पास जो भी सबसे चीपेस्ट पोस्टर कलर है मैं उसी से आज की पेंटिंग बनाऊंगी. और ये पोस्टर कलर्स आई होप आप सब लोगों के पास होंगे क्योंकि हमने पहले भी इन पोस्टर कलर्स को कई बार यूज़ किया. वैसे तो मैंने ये वाले पोस्टर कलर्स सिर्फ एक ही बार यूज़ किए हैं अब तक. सो दिस विल बी माई सेकेंड आर्टवर्क विद दीज पोस्टर कलर्स. तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ इस आर्टवर्क के लिए. And before starting the video, I will like to request you all, if you are new to this channel, then please do subscribe and you can also follow me on Instagram. I will share the link in the description box. मैं Instagram पर daily post और reels upload करती रहती हूँ, so make sure you follow me there. आपको सारे WIP work जो भी हम इस video में बनाते हैं उनसे related reels और post आपको मेरे Instagram पर मिल जाएंगे, so make sure you follow me there. So आज इस video के लिए मैं choose करूँगी एनिमल ड्रॉ करना. बिकॉज आई एम एन एनिमल लवर तो मुझे कैट्स और डॉग तो बहुत ही ज्यादा पसंद है. तो आज मैं बनाऊंगी कैट्स से रिलेटेड पेंटिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूव टू द आर्टवर्क. फॉर स्केचबुक मैं यहाँ पर यूज लूंगी ये वाली मेनोरा की स्केचबुक. और कलर्स के लिए मैं यूज लूंगी ये वाले डोम्स के पोस्टर कलर्स. ये कलर्स मैंने एक बार ही यूज किए हैं. लेट मी टेल यू द प्राइस ऑफ दिस. तो यहाँ पर इसकी प्राइस भी लिखी हुई है. ये है 195 रुपीज का, विच इज क्वाइट चीपर. और इसमें आपको मिलते हैं 14 शेड्स जो कि बहुत अच्छा है. इतने सारे कलर्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पर. अब हम स्केचबुक में मास्किंग टेप लगा देते हैं. मैंने यहाँ पर इस तरीके से कॉर्नर्स पर मास्किंग टेप लगा दी है. नाउ वी हैव टू साइड्स ऑफ पेज और अब हम इन पर पहले आउटलाइन बना लेंगे हमारी पेंटिंग्स की. सो इन टुडेज वीडियो वी विल ड्रॉ क्यूट कैट आर्टवर्क्स. हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है एंड दिस इज लुकिंग सो क्यूट. नाउ लेट्स स्टार्ट पेंटिंग इट. फर्स्ट वी विल पेंट दिस साइड. आई एम गोइंग टू यूज द शेड येलो ओकर और उससे मैं ये वाला वास पेंट कर लूंगी. इसके बाद मैं यूज लूंगी बर्नट सियेना और मैं ये वुड पेंट कर लूंगी. Now I will paint the leaves with cobalt blue. मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर भी मिक्स कर दिया है, so it is a little bit darker. और मैं इन दोनों कैट्स के लिए ब्लैक कलर यूज करूंगी. इस साइड वाला एरिया थोड़ा एम्प्टी लग रहा है तो हम यहाँ पर रेनबो जैसा कुछ लाइंस बना देंगे. अब मैं इसका बैकग्राउंड पेंट कर लूंगी. तो हम लेंगे येलो ओकर और उसमें बनाएंगे थोड़ा सा व्हाइट कलर. तो अब हम बैकग्राउंड पेंट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके का शेड बना है ये. साइड इज लुकिंग गुड. अब हम इस साइड को भी पेंट कर लेते हैं. तो कैट के लिए मैं यूज लूंगी सेम ब्लैक कलर. कुछ ब्लैक कलर की ड्रॉप्स मुझसे यहाँ पर गलती से गिर गई है, सो आई विल करेक्ट देम लेटर. अब मैं यूज करूंगी कोबाल्ट ब्लू, उसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा व्हाइट कलर और एक लाइट शेड क्रिएट करूंगी. उससे हम बनाएंगे स्वास्मिक वाटर. हम पेंट कर लेंगे इसका बैकग्राउंड ये वाला. यूज करेंगे मिक्स ऑफ व्हाइट एंड कोबाल्ट ब्लू. पेंट द फ्लावर्स और उसके लिए मैं यूज लूंगी रेड कलर. आई विल पेंट द लीव्स विद डार्क ग्रीन कलर. कुछ डिटेल्स ऐड कर देती हूँ.
बॉक्स अब कंप्लीट हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब हम इनकी मास्किंग टेप रिमूव कर देते हैं। तो हो गए हैं हमारे दोनों आर्टवर्क्स रेडी और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हमने इन चीप पोस्टर कलर से इतने ब्यूटीफुल आर्टवर्क्स रिक्रिएट करे हैं और आप भी इन दोनों आर्टवर्क्स को ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। So this was it for the video. इस artwork का outcome बहुत ही अच्छा लग रहा है and it is looking quite like digital artwork. अगर आप ये artwork recreate करें तो आप मुझे Instagram पर tag करना, मैं उसे अपनी stories में reshare करूँगी। मैं आगे और इसी तरीके की interesting videos लेके आऊँगी। So make sure you subscribe to my channel. So thanks for watching. Take care. Bye.